अब जानते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट मेन हेडिंग के बारे में, और वो है हैंडलिंग क्वेश्चन। हमारे मुताबिक हैंडलिंग क्वेश्चन पॉइंट भी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल को सीखने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन देते दौरान सवाल पूछना और पब्लिक का व्यू जानना एक बहुत ही अच्छी कला है। इसकी मदद से ऑडियंस आपकी प्रेजेंटेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है और ऑडियंस बोरिंग भी महसूस नहीं करती। सो हैंडलिंग क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला पॉइंट है आस्क फ्रेंडली क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन देते दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बिल्कुल सिंपल सवाल ही पूछें, और ऐसे सवाल ही पूछें जो कि आपकी प्रेजेंटेशन से मिलते जुलते हों, बल्कि आउट ऑफ टॉपिक ना हों। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप प्रेजेंटेशन तो दे रहे हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन आप पूछ लेते हो कि पानीपत की लड़ाई कब हुई, तो आप जान नहीं सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का पानीपत की लड़ाई से कोई ज़्यादा मेलजोल नहीं है। सो हमेशा आस्क फ्रेंडली क्वेश्चन, मतलब कि अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक ही सवाल पूछें। हैंडलिंग क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आस्क सम नैनेड क्वेश्चन। हमारे मुताबिक आपको हमेशा वैसे ही सवाल पूछने चाहिए जिससे कि आपको आगे से पॉजिटिव रिस्पांस मिले। जैसे कि अगर आप मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन में ये सवाल पूछते हैं कि डू यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, अगर आप ये सवाल पूछते हैं तो जाहिर है कि आंसर आगे से यही आएगा कि यस। और अगर आप एजुकेशन प्रेजेंटेशन में ये सवाल पूछते हैं कि डू यू थिंक एजुकेशन इज नेसेसरी टू अस, यस और नो, तो जाहिर है कि आंसर यस में ही होगा। सो हमेशा ऐसे ही मिलते जुलते सवाल प्रेजेंटेशन में पूछें जिसका ज़्यादातर आपको आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। सो अब चलते हैं हैंडलिंग क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है अवॉइड आस्किंग रिस्किंग क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन के चलते दौरान कभी भी ऐसे सवाल मत पूछें जिसका आप भी अच्छे तरीके से आंसर ना जानते हों। एक बार मेरे दोस्त ने ऐसे ही प्रेजेंटेशन चलते दौरान ऑडियंस को एक सवाल पूछ लिया कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, और इस सवाल का आंसर देने वाले को उसने 300 रुपये देने का इनाम भी रख दिया। और जबकि मेरे दोस्त को भी महात्मा गांधी जी के जन्मदिन का अच्छे तरीके से मालूम ना था, उसके दिमाग में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण उसे लग रहा था कि शायद गांधी जी का जन्म 1870 में हुआ था। और जब ऑडियंस में से किसी ने आंसर दिया कि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, तो मेरे दोस्त ने उस आंसर को गलत करार दे डाला, जबकि उनका जन्म 1869 में ही हुआ था। बस इतनी सी बात पे वहाँ पर तमाशा खड़ा हो गया, और देखते देखते सभी ऑडियंस मेरे दोस्त के बारे में बुरा बुरा कहते हुए अपने घर को चल दिए। लेकिन मैंने उसकी गलती से ये सीखा कि कभी भी प्रेजेंटेशन के दौरान ऐसा सवाल मत पूछें जिसके बारे में आप भी अच्छे तरीके से नहीं जानते हो। सो हमेशा अवॉइड आस्किंग रिस्की क्वेश्चन। सो अब जानते हैं हैंडलिंग क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और वो है प्रिपेयर क्वेश्चन प्रायर टू द प्रेजेंटेशन। मतलब कि हमेशा प्रेजेंटेशन को तैयार करने से पहले उससे मिलते जुलते हुए क्वेश्चन को तैयार कर लें। अगर आप प्रेजेंटेशन के दौरान सवाल पूछना ही चाहते हैं, उन सवाल के आंसर को पहले से ही तैयार कर लें, ताकि आपको भी मेरी दोस्त जैसी प्रॉब्लम में से ना गुजरना पड़े। और यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि अगर ऑडियंस में से आपको कोई सवाल पूछ ले, तो अगर आपको उसका आंसर नहीं आता हो, उसके सवाल का गलत आंसर देने से अच्छा है, तो आप उसको नॉर्मली कह सकते हैं आई डोंट नो। क्योंकि अगर आप ऑडियंस के सामने किसी सवाल का आंसर गलत दे देंगे, तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन का इफेक्ट बहुत डाउन हो जाएगा। सो कभी भी अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, तो उस सवाल का गलत जवाब देने से अच्छा है कि आई डोंट नो ही कह दें। हैंडलिंग क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज ग्रेटिट्यूड। यूज ग्रेटिट्यूड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब कोई आपको आपके पूछे गए सवाल का आंसर दे देता है, तो कभी भी उसे थैंक यू करना ना भूलें। और अगर आपके सवाल का कोई आंसर गलत भी दे देता है, तो उसे बिल्कुल ऐसे कहते हुए कि यू आर रॉन्ग कहने की बजाय, आप उसे कहें कि आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, आप वो आंसर के बहुत करीब थे। या फिर अगर आप उसे गलत कहना भी चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से कहे, आई फील योर आंसर इज नॉट करेक्ट। और जब भी कोई आंसर दे रहा हो, तो भी उसके आंसर देते समय तब तक अपना ध्यान उसकी तरफ ही रखें
जब तक वो आंसर दे ना दे, क्योंकि इससे भी ये बात पता चलती है कि आप अपनी ऑडियंस के बहुत केयर टेकर हो। सो अब हम आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में बता चुके हैं हैंडलिंग क्वेश्चन के बारे में। हमारे मुताबिक अगर हैंडलिंग क्वेश्चन का भी आप बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन लगाने में कामयाब हो सकते हैं।